ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हर ताल का तीज की पूजन विधि। हर ताल का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है जो 24 अगस्त 2017 को है। पूजन प्रदोष काल शाम को है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन का समय। हर ताल का पूजन के लिए शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। पूजन प्रदोष काल का जो समय है मैंने एक वीडियो में बनाया है, आप देख लीजिएगा कि सुबह का मुहूर्त क्या और शाम का शुभ मुहूर्त क्या है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है, उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं और उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीत किया जाता है, मतलब आसन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं, उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं, श्रीफल मतलब नारियल, अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। अगर श्रीफल नहीं रखा है तो नारियल रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है जो साबुत चावल होता है। कलश का पूजन किया जाता है और सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है, इसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है, इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है, फिर सब मिलकर आरती करते हैं जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती और फिर शिव जी की आरती और फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को या माता गौरी कह लीजिए, माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है और उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ते हैं। अंत में सभी सामग्री को एकत्र करके पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित किया जाता है। तो ये हमने आपको बताया पूर्ण पूजन विधि। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।